हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गॉट फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन के इस वाले चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज आपके सामने जो बकरी दिख रही है, ये बकरी है, इसने बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और ऐसे में इसकी जुगाली बंद है और एकदम से चुपचाप खड़ी है। तो आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे इसको, इसको हुआ क्या है और इसको कैसे ठीक करेंगे, पूरी प्रॉपर जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्या इलाज हुआ है और कैसे ठीक हुए रिजल्ट के साथ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। देखिए, अभी इसने मैंगनी वगैरह करी है और पेशाब भी इसने किया है, इसका मतलब ये नॉर्मल है, दिखने में जो है नॉर्मल लग रही है, लेकिन इसको 8 घंटे हो चुके हैं क्योंकि इसने जुगाली नहीं की है। नॉर्मली जब बकरी कुछ खाना खाती है तो एक जगह पे बैठ के जो है जुगाली करना एक आम बात है, करती है, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर जुगाली नहीं करेंगी बकरी तो यहाँ पे समस्या हो जाती है। जो नए बकरी पालक है वो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, इनको ये चीज़ें पता नहीं होती कि ये जुगाली क्यों नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है हर एंगल से कि क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है उसके, ये सब चीज़ें जो है बकरी पालक को पता होनी चाहिए। जब डॉक्टर अपने फार्म पे आ जाते हैं तो वो लोग इलाज करके निकल जाते हैं, बस हमें पता नहीं चलता कि ये जो जुगाली है वो क्यों नहीं कर रही। तो यहाँ पे इसने पेशाब भी करा है और लेंडी और मैंगनी वगैरह करी है, इसका मतलब ये इसका सिस्टम सब सही है, पेट में तो अफारा तो नहीं आया है, वो भी चेक किया है। देखिए, अब ये छोटी बकरी है, ये बिल्कुल जुगाली कर रही है और दूसरी जो बड़ी बकरी है ये बिल्कुल जुगाली नहीं कर रही है, तो आपको चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो है टेम्परेचर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे अगर केस आपको मिल जाता है तो आपके पास थर्मामीटर होना ज़रूरी है जिससे आप टेम्परेचर ले सके, क्योंकि टेम्परेचर लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है कि आपको ट्रीटमेंट क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी आपको और रिजल्ट निकालने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप सही चीज़ें उसको दोगे और रिजल्ट मिल भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जुगाली नहीं कर रही है, तो इसको पेट को हिला के देख लिया है क्योंकि पेट में कहीं पानी तो नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रूमन का पीएच प्लस दिख रहा है यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बस इसको जो है देसी इलाज के अंदर नॉर्मली सोडा बाइकार्बोनेट यानी जो मीठा सोडा होता है वो दिलवा दिया है, फिर भी इसको जो पहले 8 घंटे से ये कुछ नहीं खा रही थी, फिर 2 घंटे हो गए कुछ नहीं खाई, उसके बाद जो है हमने डिसाइड करा है कि इसको कुछ इंजेक्शनों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ठीक करनी है हमें, तो हमें कुछ ना कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अभी इसके अंदर हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि इसको ठीक किया जाए, अभी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है इसको देख के। तो इसको देख के ये समझ में आया है कि इसके जो माइक्रो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये है हमारे पास इंजेक्शन कुछ है, तो यहाँ पे सबसे पहला इंजेक्शन हमने उठाया है एट्रोपिन सल्फेट जी, ये फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो उसमें यूज किया जाता है। अभी जेंटामाइसिन यूज किया है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और उसके साथ यहाँ पे ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो है हमने लिया है, इसके अंदर विटामिन B1, B6 और B12 का समूह है और एक बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, बस लीवर एक्स्ट्रा नहीं है फिलहाल। उसके साथ आप दे सकते हो, जुगाली नहीं कर रही तो रुचा मैक्स पाउडर दे सकते हो, ये दिया भी है हमने। और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि बोलस में ये है एजी बूस्ट बोलस जो कि बायो बूस्ट बोलस भी आती है, उसके बाद रूमन एपेस बोलस आती है, वैसे कई तरह की आती है। तो ये है दोस्तों दूसरे दिन का रिजल्ट, मतलब सुबह का रिजल्ट है ये, रात को ट्रीटमेंट हमने लगभग 10:30 बजे की थी, अब देखिए बिल्कुल जुगाली कर रही है। तो यही होता है दोस्तों, ये गॉट के अंदर ये सभी समस्या आती है, नए बकरी पालक परेशान होते हैं। तो आप इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में आ चुका है कि क्या ट्रीटमेंट होगी, कैसी होगी और किस तरीके से हमने जो ट्रीटमेंट इसको करी है और बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बकरी पालन से जुड़ी हुई
हर मुमकिन जानकारी जो है हम वीडियो के माध्यम से हमेशा से देते रहते हैं, क्योंकि बकरी पालन काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारी दी हुई जो जानकारी है आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे के रखे हैं, आप ज़्यादा जानकारी के लिए